नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और मैं हूं गौरी द्विवेदी। आज हम बात करते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों की, जो जब क्रिकेट खेलते हैं तब तो पूरा देश देखता ही देखता है, बट अब अगर विराट कोहली की माने तो उन्हें लगता है क्रिकेटर्स को कबड्डी भी खेलनी चाहिए। विराट कोहली जो है अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 7वें सीजन में मुंबई में मौजूद थे और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है जिसमें पहला नाम उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का दिया है। धोनी वैसे ही आजकल खबरों में बहुत हैं और अब विराट कोहली को लगता है कि नंबर वन प्लेयर उनकी टीम में महेंद्र सिंह धोनी होने चाहिए अगर वो कबड्डी की टीम बनाते हैं। उसके अलावा उनका नाम, उन्होंने दूसरा नाम लिया रविंद्र जडेजा का। वो बहुत अच्छे ऑफकोर्स ऑलराउंडर हैं और उन्हें लगता है कि वो कबड्डी टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उमेश यादव का भी नाम उन्होंने सजेस्ट किया अपनी टीम के लिए और दूसरा एक नाम जो था वो विकेट कीपर बल्लेबाज जो है ऋषभ पंत का, उन्हें लगा कि वो भी एक कबड्डी टीम के लिए परफेक्ट है। विराट कोहली ने 6 नाम बताए, जैसा मैंने बताया धोनी सबसे पहला नाम, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव, ऋषभ पंत, केएल राहुल जो कि ओपनिंग बैट्समैन है वो भी उन्हें लगता है एक बेहतरीन कबड्डी प्लेयर होंगे और जसप्रीत बुमराह बॉलर ये भी उन्हें लगता है कि एक उनकी कबड्डी टीम के लिए परफेक्ट होंगे। ये खिलाड़ी 6 हैं और ये इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है जो उठ रहा है इस वक्त कि 7वां खिलाड़ी कौन होगा, क्या विराट कोहली खुद होंगे इस टीम में या नहीं, क्योंकि कबड्डी टीम में 7 प्लेयर चाहिए होते हैं। ये 6 के नाम हैं जो उन्होंने बताए। 7वें अपने को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो खुद नहीं शामिल होना चाहेंगे कबड्डी टीम को लेकर, बट उनके ये 6 खिलाड़ी हैं जो उन्हें लगता है उनकी ड्रीम टीम, जैसे हम हमेशा बताते हैं उनकी ड्रीम टीम कबड्डी की, ये 6 खिलाड़ी होने चाहिए। आपको इनमें से सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा लगता है जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है। और 7वां खिलाड़ी कौन होना चाहिए विराट कोहली की टीम में, ये जरूर हमें बताइएगा।